हेलो एवरीवन, आज का हमारा विषय है चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, द नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। हमारे को नेचर ने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और उनको यूज़ करके हम जो हमारे डेली नीड्स है उनमें उनको लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, वो हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमारी नेचर ने, जो कुदरत ने हमें बहुत सारे दिए हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, जो अनलिमिटेड है। जैसे कि सनलाइट एंड एयर। सनलाइट क्या होती है? जो हमें सूरज की जो रोशनी मिलती है, सूरज की रोशनी और वायु, हवा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये एक ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म नहीं हो सकते। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ख़त्म नहीं हो सकते, अनलिमिटेड हैं, उनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो प्रकृति ने हमें दिए तो हैं, पर हम उसको इतनी जल्दी यूज़ कर रहे हैं कि वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। मतलब वो हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, कुछ ही क्वांटिटी उसकी हमारे पास है। तो इनमें से हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम दो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट दी नेचुरल गैस। सबसे पहले हम आते हैं कि कोल क्या है। कोल एक आपका एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, दैट मीन्स ये कभी भी वैनिश हो सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर plants to produce electricity. Coal is also used as fuel in various industries. Coal होता क्या है? Coal एक आपका बहुत hard और काले रंग का substance होता है, जो आपका earlier times में cooking में use होता था। ठीक है, और इंजन्स जो आपके ट्रेन के जो इंजन्स हैं, वो स्टीम इंजन्स जो होते थे, उसमें उसको एनर्जी देने के लिए जो चलाता था, जो इंजन स्टीम जो बनती थी, वो कोल के थ्रू बनती थी। तो कोल हमारा एक नेचुरल रिसोर्स था, है, जो हमारा पहले अर्लियर टाइम्स में कुकिंग के लिए यूज़ होता था और स्टीम इंजन्स में इंजन्स को चलाने के लिए यूज़ होता था, और बहुत सारी आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें एज अ ईंधन भी यूज होता था। अब कोल हमारा बनता कैसे है, कोल फॉर्म क्या हो, कैसे होता है? जैसे कुछ भी नेचुरल क्लैमिटीज़ हो जाती हैं, जैसे फ्लड हो गया, भूकंप आ गया, या हो गया भूकंप आ गया, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके फॉरेस्ट हैं वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो ज़मीन के अंदर दबते हैं तो फ्लडिंग के बाद और सॉइल उसके ऊपर आता है, उस पर हम और क्या कहते हैं, हम और फसल उगाते हैं, या सॉइल के ऊपर मिट्टी भरती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके ये जो फॉरेस्ट होते हैं जो सॉइल के नीचे दबे हैं, वो नीचे ही नीचे 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 अर्थ के क्रस्ट में जाते रहते हैं। क्योंकि हमारा अर्थ का टेम्परेचर इतना होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और हाई प्रेशर की वजह से ये जो डेड प्लांट्स हैं, जो मरे हुए फॉरेस्ट हैं, जो ज़मीन के अंदर दब गए हैं, वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दे गेट कन्वर्टेड इंटू कोल। कोल ऑल्सो कंटेन्स मेनली कार्बन। द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। यह आपको पता होना चाहिए, दिस डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि कार्बनाइजेशन क्या होती है। कार्बनाइजेशन एक वो प्रोसेस है
जिसके अंदर हमारा जो मरे हुए फॉरेस्ट हैं या डेड प्लांट्स जो हैं वो अंडर हाई प्रेशर और अंडर हाई टेम्परेचर कोल में कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन। इसको कार्बनाइजेशन का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आपका कोल है उसका मेन कॉम्पोनेंट जो है वो क्या है, कार्बन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। जब हम कोल को जलाते हैं, व्हेन वी बर्न द कोल, वो किस में फॉर्म होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो इस कोल को बर्न करती हैं और इस कोल को यूज़ करती हैं कोक बनाने के लिए, कोल टार बनाने के लिए एंड कोल गैस बनाने के लिए। ये कोक जो है, इट इज़ नॉट दैट कोक विच यू ड्रिंक, जो आप पीते हैं कोक कोल्ड ड्रिंक, ये वो नहीं है। वो अब हम पढ़ेंगे कि कोक क्या है। कोक, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक क्या होती है, बहुत टफ होती है और एक पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये आपका कह सकते हो कि इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द, इट इज कार्बन। दिस कोक इज बेसिकली यूज टू मैन्युफैक्चर द स्टील एंड टू एक्सट्रैक्ट और डिफरेंट मेटल्स। दूसरा आया आपका कोल टार। कोल टार क्या होता है, आपने सड़कें देखी होंगी, जब हमारी सड़कें बनती हैं तो उसके ऊपर पूरी काले रंग की एक पूरी दलती है, काला रंग का मटेरियल दलता है, जिससे आपका बजरी के ऊपर जो आपकी दलती है कोल टार बनता है, जो वो आपके जो स्ट्रीट्स हैं, जो रोड्स हैं, उनको स्मूथ करती है, ठीक है। तो दैट इज कोल टार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। कोल टार से जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपके जो आप डेली एवरीडे लाइफ में जो आप चीज़ें यूज़ करते हो उनमें वो यूज़ होता है, जैसे कि सिंथेटिक डाइस के अंदर यूज़ होता है, ड्रग्स के अंदर यूज़ होता है, ड्रग्स जो दवाइयाँ जो आप खाते हो, एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं, जैसे किसी को जो पहाड़ है अगर उसको तोड़ के आपको सड़क बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ एक्सप्लोजिव चाहिए होता है, तो वहाँ पे ही यूज़ होता है। जो आपकी परफ्यूम्स हैं उसमें यूज़ होता है, प्लास्टिक्स को बनाने के लिए यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, फोटोग्राफिक मटीरियल में यूज़ होता है, जो आपका जो ऊपर जो आपकी रूफिंग मटीरियल होता है उसमें यूज़ होता है। नैप्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। नैप्थलीन बॉल्स जो हैं वो भी आपकी कोल टार से बनती हैं। आजकल क्या हो रहा है, कोल टार की जगह एक अदर मटेरियल है जो बिटुमन है, ये क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और ये यूज़ होता है कोल टार की जगह आपकी रोड्स को बनाने के लिए। थर्ड हमारा था कोल गैस। Now what is coal gas? Coal gas is obtained during the processing of coal to get the coke. Coal gas कब बनती है आपकी, जो आपका coal होता है जब आप उसको burn करते हो और उससे आप coke बनाते हो, तो वो gas जो निकलती है उसमें after the burning उसको हम coal gas बोलते हैं और ये एक fuel की तरह use होती है industries में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोल क्या होता है, कोल को यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब हम आएंगे नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स पे, दैट इज़ पेट्रोलियम।